क्या रहा कि हमने तो FIR किया है, अब आगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी क्योंकि वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड में नहीं है, इसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अभी तो कल ये पता ही चला है, उन्हें भी इस घेरा में लिया जाएगा कि कैसे उनका वहाँ पर पहुँचा, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, कल मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से खबर आया था कि एयरपोर्ट डायरेक्टर के द्वारा जिला पदाधिकारी को खबर दिया गया कि RT-PCR के नकली रिपोर्ट दिया जा रहा है। एक डायग्नोस्टिक है प्लाज्मा डायग्नोस्टिक द्वारा, जो 83 नंबर पिलर के ऑपोजिट में है। आप उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया कि एक टीम भेजना है, तब हमने मेडिकल टीम अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम भेजा गया वहाँ पर। वहाँ पर उन लोगों को के द्वारा बताया गया कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब्स का, अलग अलग लैब्स का उनके पास उसके यहाँ पर रसीद मिला, और उसके यहाँ कोई लैब टाइप का कुछ नहीं था, संग्रहण भी करने का कुछ भी व्यवस्था वहाँ नहीं थी, कोई चश्मा के दुकान का ही कोई पार्ट था उसमें। तो वहाँ जाकर के उन लोगों ने जब ये चीज़ को देखा तो उसके बाद मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा कि FIR लॉन्च कर दीजिए, तो FIR किया गया उसके अगेंस्ट में। बाकी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के जो न्यायाचार पदाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट गए थे उन लोगों के द्वारा और कार्रवाई की गई होगी, जिसकी सूचना हमें